अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन। दोस्तों, आज हम फिर एक न्यू वीडियो के साथ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई के एरिया अल नहदा में। मैं अभी इस बिल्डिंग से बढ़ा के निकला था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। आज हम बात करेंगे अपने काम के सिलसिले में। मैं जो है वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो कोई भी बंदा जो है वो अगर ट्यूशन पढ़ाना चाहता है दुबई में, चाहे वो अरबिक का हो या कुरान का ट्यूशन हो या फिर स्कूल का किसी भी सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट के ट्यूशन्स पढ़ाना चाहता है, तो इधर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं आगे। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आपको थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग चाहिए, आपको अपने जो है वो कार्ड्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। कार्ड्स बना के फिर आप इसी तरह, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, तो आप इन बिल्डिंगों में जाएंगे, वहाँ पे जाके अपने जो कार्ड्स हैं उनको आप रखेंगे, तो फिर जो फैमिलीज़ हैं जिनको ज़रूरत होती है अपने बच्चों के लिए एक अच्छे टीचर की, तो वो कार्ड्स को उठा के उसके ऊपर आपका नंबर होता है, तो वो फिर आपसे जो है वो रابطہ कर लेते हैं। तो जितने भी आप कार्ड लगाएंगे आपका ही फ़ायदा है इसमें, तो उतने ज़्यादा आपको चांसेस होते हैं ट्यूशन्स वगैरह मिलने के। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से इस काम में हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ही नफीस काम है और साफ़ सुथरा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं हूँ दुबई के एरिया में अल नहदा के, और ये मेरे पीछे जो है ये दुबई का एयरपोर्ट है। ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं इसमें, इनमें अपने कार्ड्स वगैरह जो है वो रखने चाहिए। मैं इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा भी कि कैसा कार्ड होता है, उस पर क्या क्या लिखा होता है, और कैसे जो है वो उसको हम जो है वो इन बिल्डिंगों में रखते हैं, और कैसे जो लोग हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं।